अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं रजमको यानी के नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी रास्ते पे है यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने कुछ पिक्चर भी जगह जगह पे ली है, और जो रास्ते में मशहूर जगह हैं वहाँ पे भी मैंने वीडियो जो है छोटे छोटे क्लिप्स वो लिए हुए हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बकहेल कैंप जो है, उसको हम लोगों ने अभी गाड़ी में क्रॉस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सका क्योंकि आर्मी वाले जो है वो बहुत सख्ती करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो ना बनाओ, तो इस वजह से मैंने जो है वीडियो वहाँ पे नहीं बनाई। लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद एक जो है पोस्ट आने वाली है, वहाँ पे सबसे पहले हम जो है अपनी एंट्री करेंगे। अभी जो है आप लोग जो देख रहे हैं, ये मिरली का बाज़ार है और हम मिरली पहुंच गए। ये मिरली का मेन बाज़ार तो नहीं है क्योंकि उस पर हम अभी आगे थोड़े आ गए हैं, लेकिन ये भी इसके साथ जो है मिरली का बाज़ार है, इसकी दुकानें हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। देख सकते हैं आर्मी वालों ने जगह जगह पे जो है पाकिस्तान के झंडे जो है वो बनाए हैं रास्ते में। इसके बाद जो है एक और चेक पोस्ट आने वाला है, और इसके साथ जो है वो रोड भी अलग हो जाएंगे। एक रोड जो है वो रजमक की तरफ जाता है और एक सीधा रोड जो है वो मिरली मिरमशा की तरफ जाता है। और ये पिक्चर उन्होंने यहाँ पर बनाई है, और ये लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हम कबाइल और आर्मी वाले जो है वो एक साथ है, और दहशतगर्दों का जो है वो हम डट कर मुकाबला करेंगे। बीच में मैं एक दो पिक्चर जो है वो मैंने डाली हुई है इस वजह से ताकि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, तो इसके बाद आप एंजॉय करें।
जाता है। अभी जो है हम डंकन पहुंच गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं डंकन जो के रजमक में इंतहाई मशहूर जगह है। इसके बाद हम लोग जो है रजमक में इंटर हो जाएंगे तकरीबन 1-2 मिनट के बाद। और अक्सर लोग जब आते हैं तो यहाँ डंकन पे जो है वो रेस्ट कर लेते हैं और स्टॉप कर लेते हैं, तो हमने भी यहाँ पे जो है स्टॉप कर दिया है। अभी जो है हम गाड़ी से उतरे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये डंकन का इलाका है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ डंकन पे जो है ऊपर से जो है एक चश्मा जो है वो बह रहा है जो कि इंतहाई ठंडे पानी का है। यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं अपने कजन्स के साथ, ये है मिस्टर शेखर मुदस्सर खान, ये है मिस्टर फवाद खान, ये है जमशेद खान, आप कुछ बोले, ये है हमारा कैमरामैन। कैमरामैन साहब आप कहाँ पे आए हुए हैं? ये हम रजमक आए हुए हैं, अभी हम चक्कर लगाएंगे यहाँ का। और ये इलाका कौन सा है? और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मौसम, एज कम्पेयर टू बन यहाँ पे मौसम आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आप हम अभी पहुँचे हैं, यहाँ पर मौसम कैमरा किधर घुमा रहे यार, आपकी तरफ अभी बोलो यार, तुम हमारे से इंटरव्यू भी लेते हो, ठीक है ठीक है, अभी उधर घुमाते हो यार, ठीक है ठीक है, तो इधर कर दो। हाँ जी, तो आप सवाल कर रहे हैं मुझे, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, आप एंजॉय किस तरह कर रहे हैं? हाँ यार, आप यहाँ आए कहाँ से? अच्छा, हाँ जी, हम तो बनु से आए हुए हैं, तकरीबन 2 घंटे हो गए, अभी हम रजमक पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे बहुत ठंड है, हाँ हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह हम इस तरह यहाँ के लोगों से आपको मतलब क्या मिला, आप यहाँ के लोग किस तरह है? यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब सही डायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ मेहमान नवाजी के बारे में ये है कि ये लोग बहुत मेहमान नवाज और जो बात इसके बारे में मशहूर है कि ये लोग जो है दहशत गर्द है, आप इसके बारे में कुछ कहना? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, हम यहाँ पे इतने टाइम से यहाँ पे हम घूम रहे हैं, लेकिन हमने किसी को यहाँ पे इस तरह नहीं देखा जिससे हमें ये पता चलता हो कि ये दहशत गर्द है, ये इस तरह मतलब ये जो है कुछ मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, हमने खुद ये सुना है कि वहाँ के छोटे बच्चे जो है उसके पास हर बंदे के साथ जो है वो बंदूक होती है, लेकिन अभी आप लोग खुद भी देख सकते हैं यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन हमने अभी किसी बंदे के साथ भी मतलब बंदूक कोई ऐसी चीज नहीं देख।
यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, इस वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं फिलहाल। ये हमारे लोग हैं जो है जो कि हमारे साथ आए हुए हैं। हम यहाँ अब पिच सेटिंग करेंगे, अब ये काम होने वाले हैं, अब ये खाना पकाने वाले हैं। अब हम राजमा पहुंचे हुए हैं और ये डॉक्टर साहब भी देखो, डॉक्टर साहब ज़रा इधर देखो, नहीं नहीं थोड़ा इधर हो जाओ। हाँ आप तो तू अपनी कमेंट्री कर ले। शवाल राइफल्स रजमक में यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पर जो है स्टॉप करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं और सब ने यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है ये जो चीज़ बनाई हुई है, लेकिन हमें खुद इसका पता नहीं है कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और किस लिए इन लोगों ने ये चीज़ बनाया हुआ है। मैंने तो जितना सुना है सऊदी अरब की मदद से ये बनाया गया है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में मुझे और कुछ मालूम नहीं है। ये है मेरा कैमरामैन